देखिए, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री चुनाव जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिदायत की है कि ईसीआई की हिदायत के मुताबिक हमको पूरे ज़िले में वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, जिसको कि स्वीप के नाम से भी उर्फ आम में जाना जाता है। तो उसी सिलसिले की ये पहली कड़ी है कि आज हमने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये बात जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि स्वीप की एक्टिविटी जो है वो पूरी पूरे मुल्क की तरह, पूरी रियासत की तरह कुपवारा में भी इंटेंसिव लेवल पे शुरू हो गई है। ये कैंपेन जो है, इसमें हमारा जो मकसद रहेगा वो ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को कवर करें, उनको इस इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में जितनी अवेयरनेस हम दे सकते हैं वो दें। उसके लिए हमारी एक स्वीप की टीम बनी हुई है, जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम रिकॉर्डेड होगा, रजिस्टर्ड होगा, एनरोल्ड होगा, उसको कार्ड मिलेगा। अगर उसका कार्ड नहीं है, मैंने वही बात कही ना, 1950 इज द राइट प्लेटफॉर्म टू अप्रोच फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। जिसका भी एपिक कार्ड नहीं बना है, एपिक कार्ड की अब हम प्रिंटिंग शुरू करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, उसकी डेट आने वाली है, मशीनें हमारे पास पहुंच जाएंगी, तो यहीं पे प्रिंटिंग होगा। तो जिसका कार्ड नहीं है, दिस इज द राइट टाइम कि वो अप्रोच करें, 1950 पे अपना ग्रीवांस एनलिस्ट करें। ये बाजाब्ता मॉनिटर होता है ईसीआई तक। इस बार एडिशन जो है वो काफी हुआ है, अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है, जो नए वोटर एनरोल हुए हैं। तो नौजवान जो है, जो 18 से 19 साल की उम्र का, ये जो जो 18 साल की उम्र को पहुंचा पिछले साल से लेके इस साल तक, तो उन नौजवानों ने इस बार ज्यादा अपने आप को एनरोल कराया है। इस बार हम लगभग 15,000 नए नाम जो है। Thank you.